चले दोस्तों राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों आप राजस्थान समाचार पर नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप राजस्थान के किस जिले से उस वीडियो को देख रहे हैं अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। कन्हैयालाल की तरह 10 दिन में तुम्हारा भी सर काट देंगे। जी दोस्तों राजस्थान से बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान के भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में SMH कॉलेज के हनुमान जी मंदिर के पुजारी को 10 दिन के अंदर सर दर्द से अलग करने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद मथुरा गेट थाना पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और पत्र को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। घटना शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जब मंदिर का पुजारी ताराचंद शर्मा पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में बैठ गया था, तभी उससे पत्र चिपका हुआ दिखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इसका इन्फॉर्म किया और तत्काल पुलिस आई और जांच में जुट गई है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। गहलोत सरकार आवारा पशुओं के गलों में लगाएगी रिफ्लेक्टिव रेडियम पट्टी। राजस्थान की गहलोत सरकार आवारा पशुओं के गलों में अब रेडियम पट्टी लगाने जा रही है। सरकार आवारा पशुओं के रोजाना हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यह कवायद करने जा रही है। पशुओं के गलों में रेडियम पट्टी लगाई जाएगी, जिससे सड़क के बीच बैठे जानवरों के बारे में वाहन चालकों को आसानी से पता लग जाए। इसके साथ ही सरकार नंदी गौशाला खोलने के नियमों में भी बड़ी राहत देने जा रही है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सांप ने काटा तो उसे डिब्बे में भरकर अस्पताल पहुंच गया सख्त। भरतपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। भरतपुर जिले के बियाना रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक रेलवे कर्मचारी को सांप ने काट लिया। इसके बाद कर्मचारी सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। कर्मचारी के साथ सांप देकर अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान रह गए। जब डॉक्टरों ने अस्पताल में सांप लाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह इसलिए सांप लेकर आया है कि ताकि डॉक्टर जान सके कि उसे किस सांप ने काटा है। कर्मचारी का नाम दशरथ बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद दशरथ को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। स्कूल में मच्छर काटते हैं इसीलिए स्कूल प्रिंसिपल ने कर दी छुट्टी। देश की अलग अलग राज्यों की लगभग सभी सरकारें शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताती हैं, लेकिन राजस्थान से आई ये खबर आपको इन दावों की असलियत से परिचित कराएगी। दरअसल झालावाड़ जिले में स्थित एक स्कूल के प्रधानाचार्य का एक खत इस दिन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस खत में कहा गया है कि स्कूल में बच्चों को मच्छर काटते हैं इसीलिए छुट्टी की जाती है। मामला खानपुर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का बताया जा रहा है। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य नरेश कुमार द्वारा लिखा गया ये खत सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये खत ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया था। यह दोस्तों राजस्थान में एक स्कूल ही नहीं ऐसे कई स्कूल है जहाँ पर लाइट और पंखे की परेशानी है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। एक्सीडेंट में घायल को 72 घंटे तक मिलेगा फ्री इलाज। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे के लिए फ्री इमरजेंसी इलाज मिल सकेगा। चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान का हो या अन्य प्रदेश का निवासी हो, राज्य सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को कम करने तथा घायलों को तुरंत उपचार मिल सके इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, सेना से मांगी मदद। राजस्थान में इस साल बारिश कई रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। अब तक प्रदेश में सामान्य से 50% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम केंद्र का कहना है कि पूरे राजस्थान में मानसून एक्टिव है और आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बरसात श्रीगंगानगर में 10 इंच 260 mm बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जो जिलों में 4 दशक में होने वाली सबसे अधिक बारिश है। लगातार बरसात से शहर के हालात खराब हो गए हैं। प्रशासन ने इस चुनौती से निपटने के लिए सेना से मदद मांगी है। वहीं आगामी आदेश तक श्रीगंगानगर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उदयपुर सिरोही में भी 100 mm से ज्यादा बरसात हुई है। लगातार बरसात के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति भी हो गई है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 48 घंटों में भी राजस्थान के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने आधे से अधिक राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें जयपुर, नागौर, चूरू, टोंक, बूंदी, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही जयपुर, नागौर, टोंक, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हो रही है हेरोइन की सप्लाई। राजस्थान से सट बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी लगातार बढ़ती ही जा रही है। बॉर्डर से सट इलाकों में नशा तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जहां
बॉर्डर पार से पाइप से हीरोइन भेजी जाती थी, वहीं अब तरीका यह हाईटेक हो चुका है। ढाई महीने में श्रीगंगानगर से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर 70 करोड़ रुपए से अधिक की हीरोइन पकड़ी जा चुकी है। इस मामले में तस्कर किसानों को ही निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सप्लाई के लिए काला गुलाब जैसे अलग अलग कोड वर्ड भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान तस्कर भारतीय किसानों को पैसा का लालच देकर इस खेल में शामिल करते हैं। ये किसान भारत में हेरोइन के पैकेट आने के बाद उन्हें अपने खेतों में छुपा कर रखते हैं, इसकी एवज में उनको पैसा मिलता है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में हुई PFI की एंट्री। राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में NIN की जांच अब रफ्तार पकड़ने लगी है। पिछले 15 दिनों में जांच एजेंसियों के रडार पर PFI का कनेक्शन भी सामने आने लगा है। NIA की गिरफ्तारी में आए हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रियाज मोहम्मद अतारी और मोहम्मद घोष के अलावा अन्य आरोपी और संदिग्धों से पूछताछ में इन्हें कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। वहीं राजस्थान में उदयपुर के अलावा अजमेर पुलिस भी अब एक्शन में आ गई है। अजमेर पुलिस ने हत्याकांड से पहले अजमेर में मौन जुलूस के दौरान लगे सिर तन से जुदा नारे लगने वाले मुख्य आरोपी गोहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के कनेक्शन PFI से थे। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए NIA लगातार जुटी हुई है। जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। अब 31 जुलाई तक हो सकते हैं स्कूल में एडमिशन। प्रदेश के सरकारी स्कूल में क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट को 31 जुलाई तक एडमिशन मिल सकेगा। पहले 15 जुलाई लास्ट डेट थी, अब इसे बढ़ा दी गई है। वहीं क्लास 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट को वृहस्पतिवार तक ही एडमिशन हो सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। CM गहलोत की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगले साल का बजट स्टूडेंट और यूथ को समर्पित रहेगा। उन्होंने दावा किया है कि नकल रोकने के लिए प्रदेश सरकार कोई भी कमी नहीं रखेगी। जो नकल करेगा और नकल कराएगा उन सभी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़ी हुकार, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजस्थान में। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी अपने सियासी दायरे बढ़ाने को तैयार है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आपने पूरी 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। आपने राजस्थान में इसकी तैयारियां शुरू कर ली हैं। शुक्रवार को राजस्थान की राजनीति के इतिहास में पहली बार विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताज़ा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी कर रहे राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।